तो आज का एक और नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 10 अक्टूबर 2024, 10 तारीख, 10वां महीना 2024। और आज की हमारी वीडियो स्पेशली जो 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के जो लायंस हैं, इसके ऊपर हमने आज की वीडियो रखी हुई है, जिसमें ना सिर्फ मैं आपको ए बी सी डी को क्लियर करने वाला हूँ, यानी टाइप्स ऑफ लायन जो ए बी सी डी होते हैं उनको मैं आपको क्लियर आपको एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ताकि एक हर आम इंसान भी उसको समझ पाए कि इसमें जो लायन वैरायटी होती है उनको कैसे पहचानना है। और प्रैक्टिकली जैसे मुझे किसी ने ला के किलो पे ये जो सिक्के हम लेते हैं 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन वाले हों या 1 रुपीज़ के जो कॉपर निकल के होते हैं, वो जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ एक लॉट था, मैंने सोचा कि ये वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो प्रैक्टिकली लाइव उसमें से भी निकाल के हम चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना सिर्फ ये फ़ोटो से पता चले बल्कि प्रैक्टिकली मैं कॉइन्स लेके भी आप लोगों को दिखाऊँ लायन वैरायटी किस टाइप की अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन के जो 2 रुपीज़ के लायन जो कॉइन्स होते हैं, ये वाले जो कॉइन जो आम चलन में आज भी आपको हाथ में मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानकारी पहले से जुटाई हुई है और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत अच्छा फ़ायदा लिया है, लायंस को जान के, उनको पहचान के, फिर उनको अलग से शॉटिंग करके, उनको रख के, फिर उन्होंने उसकी रेयरिटी के हिसाब से उनको सेल करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाया है। क्योंकि ये सिक्के देखिए, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, अगर जो सिक्के मैं आपको इसमें से बताऊँगा, सिर्फ लायन वैरायटी जानना ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी ये तो चलो 4 वैरायटी है ए बी सी डी, ठीक है, ये डी है एक्चुअली ए बी सी डी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से, तो ए बी सी डी जो लायन है, ये तीनों लायन जो है इसको नाम दिया गया एक्चुअली ताकि पहचान हो सके ना, ए लायन की क्या पहचान है, बी लायन की क्या है, सी की क्या है, डी की है, ऐसे ही सी वन है, सी टू है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें और भी काफ़ी कुछ होते हैं वैरायटीज़, तो फ़िलहाल मैं उनमें अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, पहले आप लोगों का ये सी वन वगैरह जो है इसको ए बी सी डी इनको क्लियर करना ज़रूरी है। हालांकि मेरी वीडियो पहले आ चुकी है, सी टू पे भी मैंने एक वीडियो ये हमने डी पे बना चुके हैं एक वीडियो, ठीक है, डी वैरायटी पे एक वीडियो हम बना चुके हैं और ए बी पे भी बनाया हूँ, क्योंकि इसमें एक वैरायटी आती है जिसमें ए और बी साथ में नाम दिया गया है, सिर्फ ए अलग है, सिर्फ बी अलग है, लेकिन ए बी मिला करके भी एक वैरायटी होती है, तो वो वीडियो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये जानकारी है, जो अलग अलग ए बी सी डी ये तीनों लायंस को हम आज चेक करने वाले हैं और आसान भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि ये ए बी सी डी लायंस होते क्या है। और फिर आपको बीच बीच में या एंड में कभी भी मैं बताऊंगा इसकी ये वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा क्या हो सकता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये न्यूमिस्मैटिक फील्ड के लिए, और ये मेरे हिसाब से फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है यूट्यूब पर इस टाइप से लायंस की पूरी डिटेलिंग के साथ कोई वीडियो बनने जा रही है। तो ज़रूर इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सही नॉलेज जब लोगों तक जाएगा तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जिनके पास इस टाइप से काफ़ी सारा चिल्लर 2 रुपये का रखा होगा नेशनल इंटीग्रेशन वाला, हो सकता है उसमें से वो चेक करके फिर जो रेयर वाला जिस ईयर जिस मिनट से मैं कहूँगा, अगर वो वाला आपके पास होगा और आप वो मुझे अगर प्रोवाइड करोगे तो मैं ज़रूर उसको बाय करूँगा। कंडीशन के आधार पे प्राइसिंग होगी, हो सकता है मैंने पहले भी बोला हुआ है 500 में भी खरीद लूँ, 1000 में भी खरीदूँ, 1500 या 2000 में भी खरीदूँ, ठीक है। लेकिन एक सोचिए, आपके आपके पास एक 2 रुपये का सिक्का रखा हुआ है जिसको आप 500 में अगर बेच सकते हैं, कुछ जानकारी जुटाने के बाद अगर वो सिक्का 1000 में बिक रहा है, 2000 में बिक रहा है, तो 100-100 गुना यानी 50-50 गुना 100-100 गुना पैसा आपको बढ़ के मिल रहा है। और अगर ऐसे आपके पास हज़ारों सिक्के हैं जिसमें से अगर आप समझ लीजिए 2-2 हज़ार की वैल्यू वाले अगर आपको 50 सिक्के मिल जाते तो 1 लाख रुपये आप उसका इजीली बना सकते हैं, वो सिक्के हम ही ख़रीदेंगे आपसे, ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है ये लायन वैरायटी है और मतलब कि ये हमें बेचना है, फिर सामने वाले को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ होगी अगर आपके पास, लेकिन ध्यान से देखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। मेरी कोशिश है मैं आम लोगों को एकदम आसान सरल भाषा में अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो कुछ और भी बातें हैं हमारे न्यूमिस्मैटिक फील्ड से रिलेटेड, ऑर्बिट से रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इस टाइप के हो सकता है पैम्पलेट्स आप लोगों के हाथ लगने वाले हैं, जैसे कांदीवली मुंबई में हमारी है, कल्याण ईस्ट में है, अमरावती में, शोलापुर में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, इतनी जगहों पे है, और मेरा खुद का जो ऑफिस है भिवंडी सिटी में है, यानी मेन ब्रांच हमारी भिवंडी में है।
इसके अलावा देखिए स्टेट के हिसाब से लुधियाना यानी पंजाब में है, आसाम में है, और इसके अलावा पीलीभीत यानी यूपी में, और स्टेट बिहार में डिस्ट्रिक्ट गया में भी हमारा चल रहा है, और गुजरात में और दिल्ली में और साउथ साइड में शायद हैदराबाद या कलकत्ता वगैरह में भी हमारी फ्रेंचाइज की बात चल रही है। लेकिन अगर कोई लेता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगा। मेरा मकसद ये नहीं कि बहुत सारी फ्रेंचाइज मुझे बनानी है, मेरा मकसद ये है कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं वो आम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करें, जो आम लोग जो सिक्के सही से बेच नहीं पाते, सही प्राइस उनको वैल्यू मिल नहीं पाती है, तो वो जब हमारे ब्रांच पे आए तो उनको ना सिर्फ इनकी जानकारी मिले, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। इसके लिए हमने चार्ट्स भी बनाए हुए हैं कॉइन्स के, जैसे मैंने ये मेरे ऑफिस पे लगाया हुआ है चार्ट, तो आप जहाँ पे भी जाएंगे हमारे ऑफिस पे, हमारी ब्रांच पे, वहाँ पे आपको इस टाइप का चार्ट देखने मिलेगा, जिससे आपको आप अपने सिक्कों का एक एस्टिमेशन प्राइस वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि कहाँ तक वो सेल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो काम है इसके ऊपर भी मैं आगे बात करूँगा ये वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की। लेकिन पहले जो हमारा मेन टॉपिक है इसके ऊपर बात करते हैं, ताकि वो जो व्यूअर हैं जिनको ये जानना है उनको पहले ये पता चल जाए लायन वैराइटीज़ के बारे में। ठीक है, ये ऑनलाइन डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको और क्लियरली यहाँ पर समझाने के लिए आपके लिए अभी ये डिटेलिंग मैंने यहाँ पर लाई हुई है। तो सबसे पहले देखिए लायन वैरायटी होती क्या है, इसको पहले समझिए। ये जो कॉइन जो छपते हैं ना, इसके अंदर जो अशोका पिलर होता है जिसमें शेर बने होते हैं, तीन शेर, ठीक है, इसको त्रिमूर्ति भी शायद बोला जाता है आम भाषा में, वैसे ये अशोका पिलर है। ठीक है, अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। तो अशोका पिलर जो है ये जब कॉइन बनते हैं, जब कॉइन छपते हैं, उनके अंदर अलग अलग मिंट से जब कॉइन बनते हैं तो उनमें तो अलग अलग डाई इस्तेमाल होती है, लेकिन सेम मिंट, जैसे अभी मान लीजिए मुंबई मिंट है हमारी, उस मुंबई मिंट में भी अगर ये 2 रुपया बन रहा है तो हो सकता है एक ही मिंट से सिक्का सेम बना हो, लेकिन उसमें डाई अलग अलग इस्तेमाल की गई हो, जिसकी वजह से 2 अलग टाइप के लायन या 3 अलग टाइप के लायन आपको देखने मिलेंगे, अशोक स्तंभ देखने मिलेंगे, यानी उसकी स्टाइल आप समझ लीजिए अलग अलग होगी। तो उसी बारीकी को समझना है, उसी को लायन वैरायटी कहा जाता है, उस वैरायटी को पहचानना है कि आपके हाथ में जो सिक्का आया है वो कौन से लायन वैरायटी का है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले बनाया था, लेकिन यकीन मानिए वो टाइम पे सिर्फ मेरा मकसद था कि एक वीडियो बनाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं खुद भी नहीं गया था लेकिन आज मेरा मकसद ये नहीं है, मैं डिटेल में भी जाऊँगा ताकि आप लोग भी उसका फ़ायदा हो सके और कुछ फ़ायदा मुझे भी हो, कि अगर मेरे पास वो सिक्के आते हैं तो मैं भी उसको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं अगर वही सिक्के किसी और से जानकार, यानी कि इस टाइप का डीलर या फिर इस टाइप का रीसेलर हो जिसके पास ये सिक्के हो, तो वो जो 2000-3000 में मैं जो मांग रहा हूँ आपसे कंडीशन के आधार पे 1500-2000 में, तो वो लोग क्या है ना कि वो अपना सेलिंग का प्राइस हो सकता है 5-7-10 हज़ार बोल देंगे, लेकिन जब बेचना हो मुझे उनको तो वो लोग फिर यही प्राइस बोलेंगे ज़्यादातर लोग, 90% लोग, कि ये 1500-2000 में ही बिकेगा। ठीक है, तो मैं पब्लिक से ही खरीदूंगा, क्यों उनसे खरीदूँ ये वाले कॉइन्स, जब पब्लिक के पास होंगे तो मैं उनसे ही खरीदूँगा। और जो मेरे कॉइन कलेक्टर हैं जिनको मतलब मैं सेल करता हूँ ऑनलाइन यूट्यूब से, तो मैं उनको भी एक नॉमिनल अच्छी प्राइस में ही देने की कोशिश करूँगा, अगर क्वांटिटी में मेरे पास कहीं से कॉइन्स आ जाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 4 टाइप के लायन पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो ये जो टाइप ए लायन है ये कैसे दिखता है, बी कैसे दिखता है, सी कैसा दिखता है और डी कैसा दिखता है, इसको पहचाना कैसे जाए, इसकी बारीकियाँ क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए जो फ़ोटो में यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाला लायन ए लायन है, इस पर जो पिन पॉइंट यानी बारीकी जो हमें देखने वाली बात है, जहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है ना इस टाइप से ओवल टाइप का शेप, उसी पे ध्यान देना है, यानी कि राइट वाला जो लायन होता है कॉइन में उसमें ध्यान देना है ए लायन को अगर पहचानना है। बी को भी पहचानना है तो इधर ही ध्यान देना है, यानी राइट वाले लायन को। लेकिन अगर सी और डी को पहचानना है तो सी में राइट वाला भी देखना पड़ेगा और बीच वाला सेंट्रल वाला भी देखना पड़ेगा, और डी को भी पहचानना है तो उसके लिए भी राइट वाला और सेंट्रल वाला लायन देखना पड़ेगा, यानी तीसरा जो ये लेफ्ट वाला लायन है इसको आपको देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो ए लायन है इसमें क्या चीज़ है जिससे हमें पता चले कि भाई ये ए लायन है, तो लायन, चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सिक्के जो रखे हैं मैं इसी में से कुछ निकाल के प्रैक्टिकल में हो सकता है हाथ में आ जाए
तो उसको ही दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा, फ़ोटो क्योंकि ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए हाथ में आ ही गया। अब देखिए ये कौन से ईयर का है, ये है 1997 हैदराबाद मिंट। इससे हमारा लेना देना फ़िलहाल नहीं है क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक 2 रुपये का कॉइन है, आम चलन से मिला हुआ ये कॉइन है। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाले लायन की, यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस लायन में, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जो है ना, जो लायन के फर है, फर यानी कि उसके जो बाल होते हैं, मैं इससे पहले फुर बोला कर रहा था, लेकिन मुझे खुद भी बाद में समझ में आया कि इसका प्रोनाउंसिएशन फर होता है, यानी इसके बाल जो होते हैं। ठीक है, और किसी ने मुझे बोला भी कि सर ये फर कहा जाता है इसको, तो थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। तो ये फर है, यानी कि इसके जो बाल होते हैं ना लायन के जो, तो इस लायन पे हमें अगर ध्यान देना है तो यहाँ पे देखिए ये फर की जो लाइनिंग गई है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में अब ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि और कॉइन लेके हाथ में बता रहा हूँ तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये 5 फर लाइन वाला जो ये लायन है, इसी पे से ध्यान देते हुए पहचानना है कि ये ए वैरायटी है। ठीक है, सिंपल पहचान है, जो भी लाइन आपके हाथ में आएगा, ये 5 अगर आपको दिख रहे हैं फर लाइन, यानी कि 5 उभरे हुए बालों की धाराएं नज़र आ रही हैं इस टाइप से, तो वो एक ए लायन है। ठीक है, ये ए लायन है। अभी और सिक्के मैं इसमें से ऐसे ही आपको, यहाँ से देखिए ये पूरा बंच रखा हुआ है, इसमें से निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 1 रुपये वाले इसको हटा देता हूँ, ये 2 वाले मैं कुछ सिक्के और यहाँ पर रख देता हूँ। ए वाला आपने देख लिया कि उसकी पहचान क्या है, वहाँ पे आपको 5 लाइन देखने मिलेगी। अब हम आ रहे हैं बी वाले लाइन के ऊपर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बी वाला ही है। ठीक है, अब आते हैं बी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो मैं इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ, जिस ऑडियंस को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा उनके लिए आसानी है। यहाँ डिटेल दी हुई है, द इजी वे टू आइडेंटिफाई टाइप ए बी सी डी लाइन इज ए टू फेस मेथड। फर्स्ट डिटरमाइन इफ़ इट्स टाइप ए बी और टाइप सी डी। पहले हमें क्या चेक करना है, कौन सा टाइप है, ए बी है या सी डी। दिस कैन बी इजीली डन बाय लुकिंग एट द एरिया इन द ओवल ऑन, यानी कि इस क्षेत्र में अगर हम ध्यान देंगे तो इसको पहचानना आसान होगा, टाइप ए बी को पहचानने के लिए खास करके। द लायन फर रो आर काइंड ऑफ कर्व एंड अवे फ्रॉम बॉडी ऑन द टाइप सी डी, द लायन फर रो आर विद द बॉडी। अब ये जैसे आपको मैंने बोला ना, इसमें तो 5 तो आपने देख ही लिया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ए और बी में जो होता है ना, ये बॉडी से, लायन की जो बॉडी है इससे काफ़ी दूर नज़र आते हैं ये लाइनिंग्स। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए ये वाला लायन देख रहा हूँ मैं, ये इसमें भी वही पहचान है, सॉरी ये वाला लायन। अब ये कौन सा है, ये या तो सी है या तो डी है, अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सी और डी में फ़र्क ये है कि ये काफ़ी कम स्पेस आपको इसमें नज़र आएगी। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा दूर दूर लाइनिंग नहीं है, एकदम चिटकी हुई लाइन है, मतलब आपस में ज़्यादा गैप नहीं है, बॉडी से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, वैसे ये इसको देखते हुए मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक डी लायन है। ठीक है, अब मुझे भी ये लायंस की परख हो गई है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ सी और डी में क्या फ़र्क है, आगे वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा। तो जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनको भी मैं गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के तो वो समझ ही रहे, लेकिन और मैं प्रैक्टिकल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा इस टाइप से होता है, सी और डी का ज़्यादा दूर दूर नहीं होगा, ए और बी में जो फर लाइन है वो कहीं ना कहीं थोड़े गैप वाले होंगे, बॉडी से दूर दूर नज़र आएंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, जैसे मैंने बोला ना, ए वाले में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 अलग अलग लाइन नज़र आएगी, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन बी में अगर ध्यान देंगे तो इसमें 4 भी नज़र आती है, और कभी कभी 3 भी आपको नज़र आएगी। तो अब ये बी क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास, ये वाला जो मैंने दिखाया आपको, ये कौन सा था, ये ए लाइन था, इसमें क्योंकि 5 आपको यहाँ पर नज़र आ गई अलग अलग लाइन। अब देखते हैं ये बी। ठीक है, तो अब ये बी वाला जो आ गया मेरे हाथ में, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी लाइन नज़र आ रही है, 1, 2, 3, 4, यानी 3 या 4 ही लाइन नज़र आएगी। इसमें एग्जैक्ट 5 लाइन नज़र आती है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखिए, या तो आप इसको 3 भी बोल सकते हैं या 4 भी बोल सकते हैं। तो ये वाला कौन सा लायन है, ये लायन है बी लायन, जिसमें 3 या 4 लाइन नज़र आए बालों की, वो 3 है, वो सॉरी बी है, और जिसमें 5 पूरी नज़र आ जाए वो ए है। ठीक है, 5 वाला ए, 3 या 4 वाला क्या है, बी।
ठीक है। तो ये दोनों की इजी पहचान मैंने आप लोगों को बता दी। अब जा रहे हैं हम सी और डी में, ठीक है, सी और डी में जा रहे हैं। ये भी बी है और मैंने जैसे कहा मुझे पहचान हो चुकी है, ये डी है, अब मुझे सी भी निकालना है। ये फिर से बी हाथ में आ गया, देखिए इस टाइप से भी पहचान हो गई तो मुझे आसानी हो रही है। हाँ ठीक है, ये वाला सी है और ये वाला डी है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? डी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उन लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले मैं ये जो लिखा हुआ है इससे आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये दोनों को मैंने जैसे कहा, जब इनको पहचानना हो तो आपको लेफ़्ट वाला लाइन भी देखना है और साथ में सेंट्रल लाइन पे भी ध्यान देना है। तो लेफ़्ट वाले में क्या ध्यान देना है, उसमें ये ध्यान देना है कि इसकी जो लाइनिंग एकदम कर्व लाइन रहेगी, ऐसी घूमी हुई लाइन रहेगी, इनकी तरह उतना घूमी, इसमें ज़्यादा घुमा हुआ नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात, एकदम कम गैप से रहेगी, ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो एक बार मतलब ये पहचान हो गया, वंस डिटरमाइंड ऑफ टाइप सी डी नोटिस द रेक्टेंगल एरिया ऑन डी, यू विल नोटिस दैट द लायन हेयर आर री इनग्रेव्ड ऑन मास्टर डाई एंड आर नॉट एज यूनिफॉर्म एज टाइप सी। तो इसको समझाने के लिए मुझे कॉइंस ही दिखाने पड़ेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आए, फोटो में इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो देखिए ये वाला है डी लायन और ये वाला है सी लायन। अब देखने में तो शायद आपको सेम ही लगेगा, लेकिन एक फ़र्क है जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था, वो प्रैक्टिकली आपको देखने मिलने वाला है। तो ये जो सी वाला लायन है, इसका जो बीच का लायन है और इसका जो साइड का लायन है, और ये जो डी है इसका बीच का लायन है और इसका जो साइड का लायन है, इस पर हमें ध्यान देना है। ये डी क्यों है और ये सी क्यों है आप पहचानिए आप, ठीक है। जिसको जानकारी है वो समझ गए होंगे कि मैं सही पकड़ा हूँ, यानी कि यही वाला सी है और ये वाला डी है। तो अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये, डी वाले का जो सेंट्रल लायन है ना, इसके अगर आप बालों पे ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बाल थोड़े से बिखरे हुए नज़र आएंगे और थोड़े से उभरे हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। ये मैं आम भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ये इनग्रेव्ड इंग्लिश में इसको वर्ड दिया गया है और ये ज़्यादा मतलब ऐसे बने हुए, जैसे बोलते हैं ना एक बिखरे हुए बाल है, ज़्यादा बने हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये वाले लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे, सेंट्रल लाइन पे जो है हमारा सी वाला लाइन, तो इसके लाइन देखिए एकदम नॉर्मल से हैं, सीधे सीधे फॉर्म में है, बिखरे हुए नहीं है। तो ये साइड के जो लाइन है दोनों में वो लगभग सेम है, लेकिन बीच के लाइन से आप फ़र्क कर सकते हैं के सी कौन सा है और डी कौन सा है। जो सीधे सीधी लाइनिंग होगी जिसमें बिखरे हुए नज़र नहीं आएंगे वो सी है, जिसमें बिखरे हुए बाल नज़र आ रहे हैं बीच वाले में, तो वो वाला एक डी लायन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, चारों कॉइंस को मैं एक साथ आप लोगों के लिए पकड़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है चारों एक साथ आपको आसानी से अब अलग अलग नज़र आए, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ये जो है ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए वाले में पांच आपको लाइन नज़र आएगी साइड वाले में, और बी वाले में आपको तीन या चार नज़र आएगी। वैसे ही अगर सी में जाएंगे तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे सी में तो बाल एकदम सीधे सीधे नज़र आएंगे, और डी में अगर आप जाओगे तो बाल थोड़े से बिखरे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो हो गए इनके देखने से पहचान, वैसे ही इनकी हाइट को लेके भी पहचान होती है, ठीक है। सी वाले की हाइट कितनी है, डी वाले की कितनी है, ये टेक्निकल चीज़ें भी है जिस पे लोग उससे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ए बी सी डी लायन पहचानने का आसान, जो भी मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। यही डिटेलिंग देखिए यहाँ पर इस फोटो में आपको अब नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा कि पांच लाइन वाला ए वाला होता है, तीन और चार जो लाइन है बालों की ये वाला कहीं ना कहीं बी होता है, और सी और डी को देखिए ये वाले लाइन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सेम टू सेम दिखेंगे। स्टाइल कर्व्ड है इसका, यानी कि घुमावदार बाल है, इसके घुमाव नहीं है, इसके सीधे सीधे ऐसे आए हुए हैं, इनका थोड़ा सा गोल घूम के आया हुआ है, ठीक है। तो सी और डी में ये पहचान दोनों की सेम होती है, लेकिन सी और डी में बीच के लाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। सी वाले का ये जो लायन है बीच का, वो उसके बाल एकदम नॉर्मल से होते हैं सीधे सीधे, लेकिन डी वाले का जैसे मैंने बताया कि इसके बाल कहीं ना कहीं बिखरे हुए नज़र आते या उभरे हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन हमने कोशिश की इसको और अच्छे तरीके से समझाने की, बताने की। और मेरी कोशिश सिर्फ कॉइन बाइंग सेलिंग करना नहीं है, वो तो हम 2022 से कर ही रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऑनलाइन यूट्यूब से भी हो रहा है और लोग हमारे ऑफिस पर भी आके बाइंग सेलिंग करते हैं।
तो ये जो अभी मैंने नई चीज़ें आप लोगों को समझाई है, बताई है, तो इससे कोशिश ये करिएगा कि आपके पास जो भी कॉइन्स है तो सबसे पहले उनको टाइप वाइज अलग करके रख दीजिए। यानी ए वाले लाइन जितने मिलेंगे उसको अलग कर लीजिए, बी वाले जितने मिलेंगे उसको अलग कर लीजिए, सी वाले जितने मिलेंगे उसको अलग कीजिए, डी वाले जितने मिलेंगे उसको अलग कीजिए, और ए बी वाले जितने मिलेंगे आपको। ए बी वाले क्या होते हैं मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। डिटेलिंग है उसको अलग से मैं एक वीडियो में फिर से प्रैक्टिकली एक कॉइन निकाल के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उससे ज़्यादा आसान होगा समझाने के लिए कि ए बी वैरायटी लाइन क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ए बी लाइन के ऊपर मैंने बनाई है, लेकिन उसको मैं अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं आगे फिर से उसको एक अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें से यही बात कहूँगा कि ये जो अभी वैरायटीज़ मैंने आपको बताई ना, इनको अलग अलग करके आप रख सकते हैं। अब ईयर वाइज कौन से ईयर में कौन से मिंट से कौन सा वाला आपको कलेक्ट करना है जिसको हम परचेज़ कर सकते हैं, वो वाली डिटेल मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूँ, ठीक है। जिससे आप लोग मतलब जो आपने अलग अलग करके रखा होगा फिर उसमें से बस आपको मेहनत इतनी करनी है, मैच करते जाना है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये ए लायन जो मैंने आपको बताया है, ये ए लायन आपको सन 2000 में छपे हुए कॉइन्स में देखना है हैदराबाद मिंट में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा हैदराबाद मिंट के कॉइन्स उठाने हैं, ठीक है। अगर उसमें नहीं सॉरी सन 2000 के कॉइन उठाने हैं, हैदराबाद मिंट देखना है उसमें, अगर उसमें आपके पास ये ए वाला होगा तो वो फिर मैं फिर शायद उसमें से ख़रीदने के लिए अगर कहा रहूँगा तो वो मैं आपसे ख़रीदूँगा। ऐसे ही हो सकता है सन 2003 में मैं आपको कहूँ कि मुझे सी लायन चाहिए नोएडा मिंट से, ठीक है। तो आपको सी लायन जो आपने अलग किए हुए हैं उसमें से आपको चेक करना है कि 2003 का कॉइन कौन सा है, उसको उठाना है, फिर आपको सिर्फ ये चेक करना है मिंट कौन सी है, नोएडा मिंट है, और फिर वो 2003 से मैच कर रहा है, सी लाइन परफेक्ट है, तो वो आपका एक रेयर कॉइन हो जाएगा। ये मैं मिसाल दिया हूँ, ये मैंने बोला है वही मिंट वही ईयर से उसी टाइप का रेयर है, ये मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये बस मिसाल के तौर पर बताऊँ, लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा अगर आपने अलग अलग करके रखा हुआ होगा तो। यानी कि ना सिर्फ आप उसको टाइप के साथ अलग कीजिए बल्कि ईयर के साथ भी अलग करके रखिए ताकि और आसानी हो जाए आपको ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर मिंट ही खाली चेक करना रहेगा, एक बार ईयर के हिसाब से भी आपने अलग कर लिया। अब जो दूसरे रहेंगे ना वो आपके फिर कोई ख़ास काम के नहीं रहेंगे, उसको अगर वो नॉर्मल इस टाइप के कंडीशन के होंगे जो कॉमन लायन वाले होंगे उसको आप बिल्कुल वज़न पे सेल कर सकते हैं। हाँ सिर्फ उसमें एरर वगैरह चेक कर लेना एक बार, लो वेट हाई वेट या मैग्नेटिक है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक भी होगा तो कुछ ना कुछ प्राइस देके जाएगा, जैसे उस पर किसी किसी कॉपर निकल वाले कॉइन पे मैग्नेट भी अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह ये होती है, एक वजह तो ये होती है कि इसमें निकल की मात्रा बढ़ जाती है मिश्रण में, यानी उसका जो कॉम्पोजिशन होता है 75% कॉपर है, 25% अगर निकल है, लेकिन निकल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक होने से भी ये कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू आपको देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हो सकता है वो FSS में बना हुआ कॉइन आपको मिल गया हो तो वो तो OMS हो जाएगा, ठीक है। OMS यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक, तो इसमें एक चांसेस OMS के भी है, मेरे पास OMS कॉइन भी आ चुका है, मैं दिखा भी चुका हूँ। तो वो कॉइन अगर निकलेगा तो वो 2-3 हज़ार से वो भी 4-5 हज़ार रुपये आपको दिला सकता है, ठीक है। OMS की पहचान ये होगी, पहले तो वो मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो स्टील का बना हुआ होगा, दूसरी बात उसका वज़न लगभग 4.75-80 ग्राम्स के आसपास आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये की जो डाई थी वो इतने ही ग्राम की थी, ये 6 ग्राम की डाई वाला था। इसके अलावा एक चीज़ और चेक करनी है वेट के हिसाब से, अगर 1.5 ग्राम ज़्यादा है या 1.5 ग्राम कम है या 2.5 ग्राम ज़्यादा या 2.5 ग्राम कम है तो भी इसकी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सिक्कों में, सिर्फ ईयर और मिंट को देख के ही सिक्के नहीं कलेक्ट किए जाते, लायन वैरायटी चेक की जाती, एरर चेक किए जाते हैं, OMS वैरायटी होती है, म्यूल वैरायटी होती है, एज वैरायटी होती है, ठीक है। तो बहुत कुछ है, अगर हमें उसकी जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ बातें पर्सनल है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, ख़ास करके उन लोगों से जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और या फिर जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं या फिर जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मिलके, उनके लिए कुछ लोगों का सजेशन आया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो फ्रेंचाइज पे हम जो कॉइन बेचने जाएंगे वो रेयर कॉइन
यही अगर आप खरीद रहे हो तो आप ही खरीदो, फ्रेंचाइज वालों से क्यों आप खरीदवा रहे हो। ठीक है, तो बात ऐसी है कि फ्रेंचाइज बनाने का मकसद मैंने जैसे बताया, ऑल ओवर इंडिया हमारा एक नेटवर्क बनाना है, और वो नेटवर्क ऐसा हो कि जहाँ पे एक आम इंसान भी अगर पहुँचे तो उसको ऐसी सर्विस मिले जो मेरे पास, मैं यहाँ से सर्विस देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उनको मतलब सही प्राइसिंग, जो मैं, सही का मतलब मेरा ये नहीं होता कि सब के सब गलत प्राइसिंग में खरीद रहे हैं। सही का मतलब ये, अगर मान लीजिए कोई रेयर सिक्का है, ठीक है, जैसे अभी ये मान लीजिए एच मिंट का सिक्का होता है ना 1985 का, इसमें भी एक OMS वैरायटी आती है जिसका वेट होता है 2.20 ग्राम, वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का बना होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे सिक्कों में वो सिक्का मेरे हाथ में आ गया, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं सामने वाले को बता देता हूँ, कोशिश क्या, मैं बता ही देता हूँ कि भाई ये दुर्लभ सिक्का आपका है और इसकी ये वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन भी मेरी कोशिश होती है सही बताने की। मान लीजिए अभी वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाला सिक्का अगर ये एच मिंट का आपको मिल गया, ठीक है, तो उसकी एच मिंट का हो या ना हो, 2.20 ग्राम का ये 1 रुपया अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का है, चाहे वो एच वाला हो या विदाउट एच वाला हो या कोई भी मिंट वाला हो। तो वो सिक्का रेयर होता है, उसकी प्राइसिंग 10,000 के ऊपर जाती है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका कम से कम 50% आप लोगों को पे करने की कोशिश करूँगा। तो ये सर्विस जो है ना, हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सीखते हुए खुद भी सीखे, अपना नेटवर्क भी बनाए, और साथ में उन लोगों से ऐसे सिक्के खरीदे या उनकी मदद करे जिनको इस लाइन के बारे में, इस शौक के बारे में या इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब एक कोई भी काउंटर पे एग्जीबिशन में कोई सिक्का अपना लेके जाता है दिखाने के लिए, तो वो कोई मतलब ऐसे ही आया हुआ शख्स नहीं होता है, उसी की कुछ उम्मीदें होती है। वो ये सोच के जाता है ना कि मेरे सिक्के शायद बिक जाएंगे, पुराने सिक्के, भले ही वो उसने सही गाइडलाइन लेके आया हो या फेक वीडियो देख के भी आया हो। तो मेरे पास भी लोग आते हैं, फेक वीडियो देख के भी आते हैं, नॉर्मली भी सही नॉलेज वाले भी लोग आते हैं, लेकिन बात यह है कि चाहे कोई भी आए, हमें उसको सही गाइडलाइन देनी है, ठीक है, सही तरीके से उनको समझाना है। तो इस बेस पे मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा काम हो तो लोग जो है उससे अवेयर होंगे, और कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा सबको ही होगा। ठीक है, सबको, यानी कि जो बायर है उनको भी होगा, जो सेलर है उनको भी होगा, और जो मतलब चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो, ठीक है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, ये मैसेज है मेरा कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसी डिटेल्स हर किसी तक पहुँच जाए। ठीक है, अभी मुझे पता है कि ज़्यादातर जो बारीकी वाली जो डिटेल है ना, ये लोगों को नहीं पता है, जो मैंने आज आप लोगों को बताई है ये सब आसानी से कोई आपको समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल पे मेरे कोशिश है जितना भी मुझे पता हो मैं आप लोगों तक बताऊं। ठीक है, तो ये डिटेलिंग जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है ना, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है और इसका फ़ायदा उठाना है आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग पार्सल वगैरह भेजे हैं मुझे, उस पर थोड़ा सा कहूँगा। रिसेंटली अगर आपने बाय पोस्ट पार्सल भेजा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि बाय पोस्ट पार्सल 2 से 3 ऐसे पार्सल हुए हैं जो रिवर्स चले गए हैं, ठीक है, मुझ तक आए नहीं हैं, और मुझे बाद में पता चल रहा है कि वो रिवर्स चले गए हैं। तो मैं उसकी डिटेलिंग के लिए वहाँ पे गया भी था, तो कुछ स्टाफ वगैरह चेंज होने की वजह से कभी कभी कोई छुट्टी पे चला जाता है ना, जैसे पोस्टमैन वगैरह भी जो होते हैं, तो जो मुझे पहचानते हैं, मेरा फ़ोन बंद भी रहता है तो उसके बावजूद वो मेरे ऑफिस पे लाके दे देते हैं, उनको पता होता है, या फिर आसपास में जो जहाँ पे मैं बोल के रखा हुआ होता हूँ कि भाई मैं नहीं हूँ तो वहाँ पे दे देना, तो वहाँ पे वो लोग पार्सल देते हैं। तो फ़िलहाल वो ना होने की वजह से 2 पार्सल मेरे अभी तक रिटर्न जा चुके हैं। तो जब भी पार्सल भेजेंगे एक बार मुझे बता देना किससे भेज रहे हैं। फ़िलहाल आप कुरियर से भेजें, लेकिन कुरियर में भी कौन सी कंपनी से भेजना है वो एक बार मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। सभी कुरियर की कंपनी की जो सर्विस भिवंडी में है, ज़रूरी नहीं है वो लोग मुझे ला के दे देंगे, क्योंकि मेरा नंबर जो आप डालते हैं वो नंबर बंद रहता है, ठीक है। तो जिनको पता है कि मेरा नंबर बंद है, कुरियर सर्विस वालों में भी और पोस्ट ऑफिस में भी, उनको पता होता है कि कहाँ पर पार्सल देना है, तो इसके लिए एक बार ज़रूर मुझसे पूछ के ही भेजे, बिना पूछे ना भेजें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी बतानी थी कि कुछ लोगों के सिक्के जो सेलिंग पर्पस के लिए आए हुए हैं, और मैं जब सेल करता हूँ तो जो लोग मुझसे बाय करते हैं,
उनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ही लोग होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है उनसे भी कि वो कुछ पेमेंट कर देते हैं और कुछ पेमेंट उनका बाकी रह जाता है, तो वो कभी एक हफ़्ता भी लग जा रहा है, कभी 10-15 दिन भी लग जा रहा है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करके जल्द से जल्द पेमेंट किया करें, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप लोग पुराने क्लाइंट्स हैं, पुराने क्वाइंस बायर हैं, काफ़ी टाइम से बाय करते आ रहे हैं मुझसे, लेकिन क्या है मेरे पास भी हर क्वाइन जो है ना मेरा खुद का नहीं होता है, मैं भी रीसेल करने के लिए जिनका डालता हूँ, तो मेरे पास जब तक सामने से पेमेंट पूरा नहीं आ जाता मैं भी उनको पूरा पेमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये बात होती है। और दूसरी बात, जब तक मेरे पास पूरा पेमेंट नहीं आता है मैं कॉइन भी डिस्पैच नहीं करता हूँ। तो होता यह है कि आपने हाफ़ पेमेंट किया है या 10-20% 30% पेमेंट किया हुआ होता है और बुकिंग हो जाती है आपकी, उसके बाद फिर ना मैं कॉइन भेजता हूँ आपको, ना उनको पेमेंट भेज पाता हूँ सामने वालों को, ठीक है। इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाराज़गी हो जाती है, जो सेलर होते हैं उनको भी लगता है कि हमारा पेमेंट होल्ड हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये दिक्कत ना आए इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप बुकिंग करेंगे कोशिश कर दीजिए 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3-4 दिन में आपको पूरा पेमेंट कर देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है मेरा वीडियो में कॉइन दिखा है और सर ने बोला भी है कि बुक हो गया है तो पेमेंट क्यों नहीं आया। लेकिन ये सब नहीं करते हैं, 95% लोग पेमेंट पहले पूरा कर ही देते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं कभी कभी उनसे रिक्वेस्ट है, और जो नए लोग हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि कॉइन इस टाइप से ख़रीदे जाते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि आप हमें भिजवा दीजिए हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये कोई कंपनी नहीं है, अमेज़ॉन वगैरह से आप कोई चीज़ नहीं मंगा रहे, ये एक शौक है। और पर्सन टू पर्सन ये लोग हम जो है कॉइन्स कैरी करते हैं एक दूसरे के थ्रू, मतलब बाइंग सेलिंग होती है, तो यहाँ पे पहले पेमेंट ही करना पड़ता है, चाहे आप किसी सही पर्सन से ख़रीद रहे हो या किसी धोखेबाज से भी ख़रीद रहे हो। हो सकता है धोखेबाज आपको ये भी बोल दे कि ये 1 लाख का सिक्का है इसका 10,000 डाल दो मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है, या पूरा ये लॉट है 1 लाख का इसका 10,000 भेजिए मैं आपको भिजवा देता हूँ, बाद में आप पेमेंट करना चेक करके। अच्छा, ऐसी चीटिंग हुई है ये भी बताना था मुझे। एक पर्सन है हमारे मेंबर है और वो साउथ से ही है कहीं से, उन्होंने कहीं से एक लॉट मंगवाया ऑनलाइन देख करके वीडियो वगैरह, ठीक है। अब वो चैनल मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं भी दिखा देता आपको, तो वो फेक ही चैनल था कोई जिस पे उन्होंने वो देखा वीडियो और उन्होंने एक लॉट था, समझ लीजिए इस टाइप का पूरा लॉट होगा स्मारक सिक्कों का। तो वो पर्सन ने कहा कि 10 रुपये पीस से मैं आप लोगों को ये पूरा देने जा रहा हूँ, जिसको भी ख़रीदना है ख़रीद सकते हैं, और मैं मतलब कि किसी का ये लॉट आया हुआ था इसलिए मैं दे रहा हूँ कि उनको पैसों की ज़रूरत है। तो अब वो सिक्कों को अगर आप चेक करोगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा, अभी वो वीडियो भी शायद उसने हटा दी है, 10-15 दिन पहले की बात है, मतलब वो चैनल ही शायद बंद हो गया है। तो उसमें सिक्के किस टाइप के दिख रहे थे, बहुत अच्छे कंडीशन के, यानी कि ऐसे समझ लिए इस टाइप की कंडीशन के थे, स्मारक सिक्के थे, यानी हर सिक्के की वैल्यू कहीं ना कहीं 100-200 रुपया मिनिमम से मिनिमम थी, ठीक है। अब उस टाइप के सिक्कों को दिखाया गया, 400-500 पीस कुछ थे, जिसका पेमेंट उन्होंने 25,000 कुछ डाला है सामने वाले ने, और टोटल बिलिंग शायद उनकी हो रही थी नहीं ज़्यादा ही कॉइन थे एक्चुअली, उसमें से कुछ लॉट की पेमेंट उन्होंने की थी, कॉइन तो 2,500 कॉइन थे, ठीक है, जिसमें से 400-500 कॉइन पहले वो मंगवा रहे थे। तो 25,000 उन्होंने उसमें से पेमेंट डाला है, सस्ते में वो बताया गया था लॉट। और फिर उन्होंने क्या किया, पार्सल में कॉइन भेजे नहीं, कम कॉइन भेजे, और बाद में फिर उन्होंने कहा मैंने तो पूरे भेजे थे, ठीक है। अब वो डिस्प्यूट हो गया, हालांकि उन्होंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, लेकिन वो जो पर्सन थे वो पर्सन ही मेरे ख्याल से वो फेक यूट्यूबर कोई रहा होगा जिसका उन्होंने निकाला था, वो डिटेलिंग कोई काम की नहीं है जो उन्होंने उनके पास वो जो आया है पार्सल, ठीक है, वो डिटेलिंग पे कुछ वहाँ पे अवेलेबल है नहीं। तो ऐसे भी चीटिंग हो रही है, इसलिए सोच समझ के बाइंग कीजिए, ठीक है। और जब भी बाय करोगे आप उसका अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाइए, ठीक है, चाहे आप 1,000 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, चाहे 10-20-50 हज़ार की चीज़ ले रहे हैं, जब भी पार्सल आपके पास आएगा उसको अनबॉक्स करते हुए वीडियो भी आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।